हेलो दोस्तों, वेलकम टू द कॉमिक जोन। कुछ बातें ध्यान में रखिए, बीजेपी सभी धर्मों का सम्मान करती है। भाइयों बहनों, ये जो आग लगा रहे हैं टीवी पे, उनके जो दृश्य आ रहे हैं, ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। बीजेपी किसी भी धर्म के खिलाफ बोलने वाले की विरोधी है। बीजेपी ऐसी आइडियोलॉजी के खिलाफ है जो किसी धर्म के बारे में या खिलाफ कहता हो या विरोध करता हो। ये सब शुरू हुआ बीजेपी स्पोक्स पर्सन नुपुर शर्मा से। आप कह सकते हो थी वो स्पोक्स पर्सन बीजेपी की। नुपुर शर्मा ने अपने ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में कह डाला, जिसकी वजह से पार्टी को ही नहीं पूरे देश को उनके ज्ञान का खजाना भारी पड़ गया। कतर, ओमान, ईरान, पाकिस्तान, तमाम इस्लामिक देशों ने प्रॉफिट मोहम्मद के अपमान पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। कहा भी जा रहा है वो दिन दूर नहीं, लोगों को बोलने भी नहीं दिया जाएगा, लोगों को तिजारत से रोका जाएगा, लोगों को इबादत से रोका जाएगा। खबरें वही दिखाई जाएगी जो उनके मन की होगी, फिल्में भी वही दिखाई जाएगी जो उनके मन की होगी, इतिहास वही पढ़ाया जाएगा जो उनके मन का होगा, आजादी के वही नायक होंगे जो उन्हें पसंद होंगे। ये सब हो रहा है या होगा ये आप तय कीजिए। 70 साल से जो लोग कश्मीर की समस्या का कर देने का दावा कर रहे थे, जिन लोगों ने एक के बाद एक चुनाव कश्मीर और धारा 370 का मुद्दा बनाकर इलेक्शन लड़ा, जो लोग सबसे ज्यादा राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं, आज मीडिया उनसे सवाल नहीं पूछ रहा। सवाल ये है, आप 8 साल से देश की सत्ता में है, केंद्र और राज्य दोनों जगह पर आप ही की सरकार है, तभी भी निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन गोदी मीडिया आपको सलाह दे रही है कि मोदी से सवाल मत पूछिए, आतंकवादियों से पूछिए। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। और आखिर में छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।